बोलिए शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास द्वादश अध्याय यानी 12वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोक ग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, यही प्रश्न पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई, उसकी ऊंची ऊंची श्वासें चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी और अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र करके यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म करणादिकाओं को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगाने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की बुराई की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारम्बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण करके लज्जित होने से बचा लिया। आप सब जानते हैं उस समय सारी ही नारी है, सारी बीच नारी है या सारी ही नारी है। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो, 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडु पुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर क्षत्रियों को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे वीरे में व्याकुल है, मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवनदाता है, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला न देना, हमारी चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय है। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और स्वयं द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों और द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहिला तो सुनी ही है, पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका श्री व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़ दंडवा
पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझमें कहने का सामर्थ्य नहीं है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नाम द्वादशोध्याय समाप्तः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।